इस बार सर दंगल बहुत भारी है और अजमेर उत्तर से स्पेशली मतलब बीजेपी में फूट है, देवनानी जी के अगेंस्ट में ज्ञान जी सारस्वत भी खड़े हुए हैं, तो इस बार टक्कर काफी कड़ी रहेगी। ज्ञान जी को कहीं ना कहीं मौका तो देना चाहिए था ना, प्रत्याशी है, 4 साल से लगातार देवनानी जी विधायक हैं, तो बीजेपी को तो मौका देना चाहिए था। बीजेपी को मौका देना चाहिए था, निश्चित रूप से देना चाहिए था, और इसी वजह से अब की बार बीजेपी के वोट कटने की संभावना है और ज्ञान जी के जीतने की उम्मीद है। तो हमारा सपोर्ट जो है वैसे हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी है और देश हित के अंदर मोदी जी को जिताने के लिए हम भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं देवनानी जी की जो छवि है वो इतनी अच्छी है नहीं भाजपा से। 20 साल से वो विधायक रहे हैं, 20 साल से विधायक रहने के बाद भी अजमेर का विकास इतना अच्छा हुआ नहीं। जनता से उनका जुड़ाव कैसा है, मिलना जुलना ये सब जनता से क्या है देवनानी जी का? देवनानी जी का जो जुड़ाव है उनका कहना ये है कि अगर कभी मेरे पास कोई आया तो मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। कभी अगर उनके पास कोई मुद्दा लेकर भी गए तो केवल आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। अच्छा, आप यूथ हैं तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? चलिए बीजेपी को आप सपोर्ट कर, राष्ट्रवादी, आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में अभी किसी भी मतलब व्यक्ति की जो छवि है वो इतनी स्पष्ट या क्लियर की? 200 कैंडिडेट है, कोई तो होगा जो आपके मत में होगा। नहीं, अभी मुख्यमंत्री के लिए कहना उचित नहीं होगा कि उचित तो नहीं है, लेकिन आपका मत किसको है? अजमेर उत्तर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर उत्तर से मैं ज्ञान जी सरस्वत को देखना चाहूंगा कि वो विधायक के रूप में जीते, और मेरी उनके लिए यही इच्छा है कि वो आगे बढ़ें और आगे पहुंचे। चलिए ठीक है, ये थी अजमेर की जनता। या एक चाचा हेलमेट लगाए, क्या लग रहा है इस बार आपके विधानसभा चुनाव में? क्या बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी मंडी में आप हेलमेट लगा घूम रहे हैं? हेलमेट लगा तो फिर भूल जाए ना इसको, इसलिए भूल जाए तो अच्छी से लगा रखा है। अच्छा, इसलिए? हाँ, आदत है ना भूलने की, इसलिए आदत है, भूल जाता है इसलिए। बीजेपी को ला रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी आएगी। वो कांग्रेस से क्या नाराजगी हो गई? कांग्रेस से बेरोजगार को नौकरी दी, बेरोजगार नौकरी दी। अच्छा, और बाकी क्या काम किया? तो खाली अपना फ्री में राशन बांट रहे, बिजली बांट रहे, मोबाइल बांट रहे, पैसे कहाँ से आएंगे? पूरा बांट रहे हैं, फिर पैसे आएंगे कहाँ से वापस? फ्री में बांट रहे हैं तो कहाँ से आएंगे? हाँ, फिर पैसे वापस कोई भी सरकार आएगी तो बांटेगी, वो अपनी व्यवस्था कर पाएगी, इससे तो सब भी बेकार है। इतना पैसा पड़ा, आप बुजुर्ग हैं, इस साल का जो चुनाव है हर साल से अलग कुछ देख रहे हैं, इस बार के पहले जैसा ही है माहौल? जैसा नहीं है। क्या है इस बार अलग, क्या है इस साल? कोई मतलब रैली वैली कुछ भी नहीं है, शांति से बस मोबाइल पे देखो, टीवी भी देखो, कोई किस को अच्छा, बिना रैली किस बार चुनाव हो रहा है? हाँ, बिगड़ रैली चुनाव हो रहा है, खर्चा कम है, डर थोड़ा आ रही है ये बिगड़ रैली, कोई मतलब कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, माहौल जैसा होना चाहिए मतलब माहौल नहीं है किसी कोई कोई चुनाव का माहौल नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, बस मोबाइल देख के तो वोट दे दो। मोबाइल देख के ही वोट देंगे कि विकास देख के? मोबाइल नहीं, आप मोदी को देख के, मोदी को देख के, मोदी आज अपना हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ा दिया है। लेकिन मोदी को देख के कब तक? जब तक मोदी रहेगा जब तक मोदी को देंगे, उसके बाद कांग्रेस से करा क्या है? जातिवाद तो इसने पैदा किया है, मोमडन को ज्यादा दिया है, हिंदुओं के साथ कितना वो किया है। लेकिन आपके अजमेर में 4 बार से लगातार बीजेपी के विधायक हैं, विकास स्तर क्या लग रहा है आपको? 4 बार विधायक होने के बावजूद विकास कुछ लग रहा है? कुछ हुआ नहीं, मगर बीजेपी को वोट देना, लेकिन फिर भी उन्हीं को, मोदी को, मोदी को, मोदी का चेहरा देख के बस। चलिए ठीक है, मंडी में और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार आपके राजस्थान में? कांग्रेस। आपके यहाँ 4 बार से लगातार बीजेपी के विधायक है, काम वाम हुआ है नहीं हुआ है? हमारे कहाँ, हमारे 2 बार लगातार काम तो नहीं हुआ, लेकिन 2 बार हमारे लगातार। इसी विधानसभा से आते हो ना आप? पुष्कर से आते हैं हम। पुष्कर से तो डेली आते हो सब्जी बेचने? हाँ, डेली आते हैं। हाँ, पुष्कर से इस बार, लेकिन पुष्कर में तो त्रिकोणीय मुकाबला समझ में आ रहा है, तो कांग्रेस जीतेगी की त्रिकोणीय। चलिए ठीक है, आप इसी विधानसभा से, पुष्कर से हो? हाँ, विधानसभा से ना। हाँ, कांग्रेस सरकार आएगी? कांग्रेस आएगी। 4 बार से आपके बीजेपी के विधायक हैं, 5वीं बार उन्हीं को टिकट मिला है, विकास किया कि नहीं किया? कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस की आएगी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो अभी सचिन पायलट को। सचिन पायलट? हाँ। लेकिन अशोक गहलोत इतने सारे पुराने नेता हैं, इतना उनको अनुभव है, उनको क्यों हटा रहे हैं आप? उनको हटा रहे, वो बुढ़ा हो गया इसलिए। बुढ़ा हो गया? हाँ, इसलिए। कांग्रेस की कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लगी? इधर आइए, थोड़ी 2 मिनट बात करिए, आप अच्छी बात करें, इधर आइए। कौन सी योजना ज्यादा अच्छी लगी आपको कांग्रेस की? बहुत फायदा किया किसानों को, घूम दिया, बटवाया पहली। अभी वहाँ बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये सरकार है, किसानों को पानी नहीं दे रही है, बिजली नहीं दे रही है, महंगाई हो रही है। बिजली फ्री कर रखी है, 200 यूनिट 2000 फ्री कर रखी है। 2000 फ्री कर रखी? हाँ। वो लाभ मिला आपको? हाँ, लाभ मिला सरकार, बहुत ज्यादा मिला। चलिए ठीक है, इस बार एक सर जी, सर इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में आपको? अभी तो कन्फर्म नहीं है,
अभी तो कन्फर्म नहीं। अरे कुछ अपना बताया, आपका क्या मतलब? लो आप देख सकते हैं मंडी में गंदगी, वैसे तो हर मंडी में गंदगी होती है, ये सुबह साफ होता है। ऐसे सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे क्या कुछ जनता का मिजाज है, सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार।